नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। 21वीं सदी है लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी पुराने ढर्रे पर ही है। अंधविश्वास का जकड़न ऐसा है कि जिसमें एक जिंदगी खत्म हो गई, एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। चाईबासा में अपराधियों का कहर, डायन के शक में बुजुर्ग महिला की हत्या, अंधविश्वास ने मार डाला। क्या आज के वैज्ञानिक दौर में भी तंत्र मंत्र और जादू टोना का अस्तित्व लोगों के जहन में मौजूद है? इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। तस्वीरें चाईबासा के ईचाकुटी गांव की हैं, जहां डायन का आरोप लगाकर 60 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। घटना देर रात की है, जब चार नकाबपोश अपराधियों ने मिलकर परिजनों को कमरे में बंद कर दिया और धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी। मार के पिस्तौल सटाया गया और उसको कब्जा में लेकर के, बाकी बात जितना और परिवार था औलों को भी कब्जा में लेकर के रूम में बंद कर दिया गया और उसको मौका पा करके इसको टांगी उंगी से मार करके पूरा हत्या कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद बड़ी मशक्कत से कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई। हालांकि परिजनों का कहना है कि मृतक सुखमती देवी को डायन कहकर पहले भी परेशान किया जाता रहा है। संदेह का वजह से डाइन बोल के इसका उम्र करीबन 55 साल। चाईबासा से आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया। अब देखिए कैसे नाकाम की गई मौत वाली साजिश। जमशेदपुर में जादूगोड़ा थाना इलाके के दिगड़ी गांव से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। एसएसपी के मुताबिक इस छापेमारी में 221 पीस नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 450 मीटर कोर्डेक्स वायर, 482 पीस जिलेटिन, 572 पीस हरा डेटोनेटर, 32 पीस ब्लू डेटोनेटर बरामद किया गया है। उपलब्धि जमशेदपुर पुलिस को हुई है। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति के घर से हम लोगों ने बड़ी मात्रा में जिलेटिन और 500 से अधिक डेटोनेटर, 500 से अधिक जिलेटिन स्टिक और कोर्डेक्स वायर बरामद किया है। ये बेसिकली इन लोगों ने रखा हुआ था अवैध काम के लिए। जो आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि मछली मारने का जो काम है नदी में या डैम में, उसमें जो है विस्फोटक का ये लोग यूज करते हैं। विस्फोट करके जब उधर गोमिया पर लगातार तू तू मैं मची हुई है। गोमिया हम चुनाव को लेकर चुनावी तर्कश के तीर निकलने लगे हैं, वार पर वार हो रहे हैं। इस सियासी अखाड़े में जुबानी जंग दिनों दिन तीखी होती जा रही है। गोमिया पर कदर, जुबानी जंग। गोमिया विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम और बीजेपी के बीच जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि गठबंधन के जरिए दोनों पार्टी एक दूसरे की नीति और नियत पर जमकर हमला कर रही हैं। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि आजसू और बीजेपी का एनडीए गठबंधन दो मुहा सांप की तरह है, जो पर्दे के पीछे साथ साथ हैं और चुनावी मैदान में अलग अलग। पार्टी अलग राज के बाद से सबसे अधिक इन्हीं गठबंधनों ने सरकार चलाया। ये दो मुहा सांप आप देखे हैं ना गांव देहात में, तो दो मुहा सांप में एक तरफ का मुंह कमल छाप है तो दूसरा तरफ का मुंह केला छाप। हेमंत सोरेन ने शब्दों के जरिए बीजेपी को छलने की कोशिश की तो फिर आजसू ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि असली दो मुहा सांप तो खुद हेमंत सोरेन हैं और कभी एनडीए तो कभी यूपीए में शामिल होकर इसका उदाहरण भी उन्होंने दे दिया है। हेमंत सोरेन जी अभी क्या उनको कहेंगे, पहले भी एनडीए में वो रहे हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं, खुद अपने दो मुहा हैं, कभी एक बार एनडीए और कभी एक बार यूपीए में जाते हैं। उधर बीजेपी ने भी हेमंत के बयान पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम में सांप नेवला बिच्छू सभी मौजूद हैं और इन भ्रष्टाचारियों को जनता समय आने पर सबक सिखाएगी। अब उनकी नजर में कौन सांप और कौन नेवला है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनके दल में तो सब उसी टाइप से लोग हैं, सांप बिच्छू नेवला
केकड़ा से लेकर तरह तरह की चीजें हैं, उनके दल जो लोग जुटे हुए हैं। देखिए, हमें दो मुहा साफ करने वाले को ना अपने कुनबे को पहले देखना चाहिए। विपक्षी गठबंधन जो है वो आस्तीन के सांपों का समूह है, इसमें कौन सांप किसको डस के निकल जाए ये पता नहीं। और विपक्षी दल जब भी सत्ता में आए हैं तो उन्होंने अजगर की तरह राज्य की जितनी संपदा है, गरीबों की जितनी योजनाएं हैं, सबको अपने पेट में हजम कर लिया। गोमिया की सीट महज एक चुनाव नहीं बल्कि मिशन 2019 की जोर आजमाइश है, जिसमें कोई किसी के कमतर नहीं दिखना चाहता। लिहाजा इस सियासी अखाड़े में जुबानी जंग दिनों दिन तीखी होती जा रही है। बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा, मनीष मेहता के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। उधर बेटे की शादी में शामिल होने के बाद चारा घोटाला के सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद रांची वापस लौट आए हैं। आज उनकी 3 दिन के पैरोल अवधि समाप्त हो गई। रांची पहुंचने के बाद लालू यादव रांची उच्च न्यायालय से इलाज के लिए 6 सप्ताह की मिली अस्थायी जमानत की औपचारिकताएं पूरी करेंगे। आज की रात लालू प्रसाद यादव की जेल में ही कटेगी। बता दें आपको कि बीते शुक्रवार को रांची उच्च न्यायालय ने बेहतर चिकित्सा के लिए उन्हें 6 सप्ताह की जमानत दी थी। यहाँ होटवार से ले जाना था रिम्स, लेकिन रिम्स नहीं ले जा करके होटवार में ही रखने की कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उधर सूबे में विकास की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसके लिए मुखिया रघुवर दास हर एक पहलुओं पर खुद से कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोल्हान और पलामू प्रमंडल में चलने वाली फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की। रांची के प्रोजेक्ट मंत्रालय में सीएम रघुवर दास ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही कोल्हान और पलामू प्रमंडल के 6 जिलों की योजनाओं पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने समाज के गरीब तबके की सुध लेने वाली योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कर धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। वहीं सौभाग्य योजना के लिए हर 10 दिन में संबंधित लोगों के साथ बैठक करने के साथ साथ जनप्रतिनिधि और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हाँ, आज जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं हैं और एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो जो हमारे लक्ष्य है, जो हमको पूर्ण करने हैं सैचुरेशन मोड में, मिशन मोड में, उसके लिए आवश्यक निर्देश सभी उपायुक्तों को दिए गए। बैठक के दौरान लोगों के लिए कई हितकारी योजनाओं पर विशेष समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव सहित सभी विभाग के सचिव और संबंधित जिलों के उपायुक्त भी मौजूद थे। सौभाग्य योजना की समीक्षा के दौरान सीएम ने दिसंबर 2018 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसके लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बिजली प्रत्येक घर में जो बिजली उपलब्ध करानी है उसके लिए एक समय सीमा जो निर्धारित है दिसंबर 2018, तो कौन कौन से जिले में कितना लक्ष्य बाकी है, कैसे उसको पूर्ण किया जाएगा, क्या उसकी कार्य योजना है, प्रत्येक महीने में क्या उनको अचीवमेंट करना है, उसकी गहन समीक्षा की। अगले 3 दिनों तक फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक चलेगी, जिसमें विकास की सभी योजनाओं को विशेष तौर पर तरजीह दी जाएगी। 15 मई को उत्तरी छोटा नागपुर, 16 मई को संथाल परगना और 17 मई को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बैठक होगी। तन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। अब आपको सुनाते हैं रियल टॉयलेट की एक प्रेम कथा। जी हां, सीएम रघुवर दास गोविंदपुर प्रखंड के फुफवाडी निवासी पेशे से ड्राइवर रामभोल हाजरा के घर में शौचालय निर्माण की ख्वाहिश पूरी कर दी है। हाँ भाभी, चलो सवा 4 हो गए, सब इंतजार कर रहे लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। एक सोच के लिए इतना गुस्सा, अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। धनबाद के गोविंदपुर के भाई राम भोल के घर शौचालय का निर्माण शुरू हो गया है। धनबाद जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के लिए साधुवाद। शौचालय सबका अधिकार है, हमें हर हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को पूरा करना है। भाई राम भोल के लिए राहत वाली खबर, घर में टॉयलेट बनने का सपना हुआ पूरा। रूठी बीवी अब घर लौट आएगी। क्या था मामला, पत्नी रूठ कर चली गई मायके, मायके से किया ऐलाने जंग, पहले शौचालय बनाओ,
फिर आऊंगी ससुराल। सीएम के हस्तक्षेप से अब घर में टॉले। दरअसल मुखिया, शौचालय, घूस और रूठी पत्नी की ये पीड़ा गोविंदपुर प्रखंड के फुफाडीह निवासी पेशे से ड्राइवर राम भोल हजारे की थी। राम भोल हजारा का आरोप था कि घर में शौचालय बनाने के लिए मुखिया घूस मांगता है, घूस नहीं दे पाया इसलिए शौचालय बन नहीं रहा, तो पत्नी मेरे घर नहीं आ रही। ससुराल से विदा नहीं दे रहा है कि जब तक तेरा घर नहीं था हम नहीं घर, उस घर में नहीं, बहुत छोटा घर, हम लोग छह सात परिवार है हम लोग, इस वजह से हम नई पत्नी को ला रहे हैं। एक सोच के लिए इतना गुस्सा, अगर पहले पता होता तो शादी ना करते। रामभूल हाजरा के आरोपों को कुलबेड़ा के मुखिया मधु सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया था। आपने जो हमारे पर आरोप लगाया है ना, उसको हम जानते भी नहीं है, वो मेरे पास एकदम आया भी नहीं है एक भी दिन। हमारे हिसाब से उसको कोई बकाया है और उसी के बकाया में आके ऐसा लिखित दिया है। सीएम रघुवर दास ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद राम भोल हाजरा के घर शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नितेश मिश्रा, सी मीडिया, धनबाद। राजधानी वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, राजधानी रांची में बेहतर होगी अब ट्रैफिक व्यवस्था, कई कट्स खुलेंगे, सड़कें चौड़ी होंगी, तो नो एंट्री वाली बसों को 10 बजे से पहले रखा जाएगा शहर से दूर। राजधानी रांची में लचर होती ट्रैफिक व्यवस्था और सड़कों पर रेंगती हुई गाड़ियों ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और रांची नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक से जुड़ी होने वाली समस्याओं पर कई प्लान तैयार किए। सीपी सिंह ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। तो डाल्टनगंज तरफ से आने वाले ट्रक हैं, उनको 15 में ही रोका जाए, यहाँ आकर के मुंह पर न लगाएं। इटकी रोड वाले को सीधे वहाँ जो अति है कटहल मोड़ है वहीं पर रोका जाए, 10 बजे वहाँ से वो निकले। उसी प्रकार से शहर के अंदर सड़कों को चिन्हित किया जाए जिसको हम लोग चौड़ीकरण कर सकते हैं बाई लेन्स को, ताकि जो मेन रोड पर लोड है वो लोड कम हो सके। उदाहरण, घंटों चली इस बैठक में ऑटो से होने वाली समस्या और जहां तहां ऑटो स्टैंड बनाने पर चर्चा हुई। मंत्री सीपी सिंह ने खाली जगहों पर स्टैंड फिक्स करके उसे शक्ति से लागू करवाने के निर्देश दिए। सीपी सिंह ने साफ कहा है कि वो खुद 2 दिन बाद सुबह से निरीक्षण पर निकलेंगे और देखेंगे कि व्यवस्था कैसी है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो मैंने एक कलेक्ट किया था इतने दिनों से, तो मैंने दिखाया, मैंने कहा कि कानून पहले हमको स्वयं को पालन करना होगा फिर दूसरे से। दूसरा मैंने कहा कि कोई भी पहले काउंसलिंग अपने पुलिसकर्मियों का करें और कहें कि भैया किसी को भी दौड़ा करके नहीं पकड़ना है। वैसे हम लोग अभी रांची शहर के अंदर देख रहे होंगे, 1 महीना और लगेगा कि इंटेलिजेंस सर्विस लाइन सिस्टम जो हो रही है और सीसीटीवी कैमरे भी लग रहा है, तो बहुत हद तक इसमें हम लोग सफल होंगे। राजधानी बनने के बाद लगातार बढ़ती आबादी ने सड़कों पर गाड़ियों का बोझ बढ़ा दिया है, यही वजह है कि ट्रैफिक की समस्या बड़ी होती जा रही है। लेकिन जो कुछ भी निर्देश दिए गए अगर उसका पालन सही से होगा तो कुछ राहत तो जरूर मिल सकती है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। उधर जमशेदपुर में अज्ञात अपराधियों ने एक इंटर के छात्र को गोली मार दी, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खाकी का दावा है कि जल्द ही वारदात में शामिल तमाम आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। में गोलाबारी, विवाद में धाएं धाएं, बेखौफ अपराधी, सुस्त खाकी। तस्वीर जमशेदपुर की है जो बेरहमी की कहानी चीख चीख कर बयां कर रही है। अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं, खाकी जवाब देने में नाकाम साबित हो रही है। मानगो के बैकुंठ नगर में रहने वाले इंटर के छात्र राहुल सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों ने राहुल सिंह को 5 गोलियां मारी। 4-5 लोग कौन था? तो उसका नाम मेरा भाई है जान, वो आस पड़ोस का रहने वाला है। हाँ, गुड़दारी रोड का है, रंगदारी बोलता 10 लाख रुपये रंगदारी का है, बोलता हम लोग रंगदार हैं, गुंडा हैं हम लोग।
गाड़ी लेने पे बोलता है रंगदारी को। राहुल मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। परिजनों के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर राहुल को निशाना क्यों बनाया गया, लेकिन पुलिस इस वारदात को आपसी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि राहुल का भी आपराधिक इतिहास रहा है। तीन लड़कों का नाम उसमें आया है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद दूसरा ग्रुप है उसने भी एक लड़के की पिटाई की है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं बेसिकली उनके पीछे कोई गैंगवार का नाम दे देना या कोई बड़े अपराधी का नाम दे देना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। लोगों की आपसी दुश्मनी के कारण होती है, लोगों के आपसी झगड़े के कारण होती है, और पुलिस इसमें अपना जो काम है बहुत बेहतर तरीके से कर रही है, एफआईआर दर्ज करके, और हम लोगों ने कार्रवाई की और जल्दी ही इन सभी लोगों को अरेस्ट करके हम लोग जेल भेज गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर ब्रेक के बाद बात होगी उन्नत झारखंड की, दिखाएंगे आपको कैसे पर्यटन को बढ़ावा देने की रघुवर सरकार की कोशिशें रंग ला रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब हम बात करेंगे उन्नत झारखंड की। रघुवर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए बेतला नेशनल पार्क में हाथी के जोड़े और एक बच्चे को कर्नाटक से मंगाया गया है, और अब महावत उन्हें कन्नड़ की जगह स्थानीय भाषा दरवा सिखाने में लगे हैं। बेतला में हाथी की कमी पर्यटकों को खल रही थी। पिछले साल बीमारी की वजह से दो हाथियों की मौत हो गई थी, तब से बेतला में एक भी हाथी नहीं था। रघुवर सरकार की पहल पर वन विभाग ने कर्नाटक से हाथी के जोड़े और एक बच्चे को मंगाया है। पार्क में हाथियों की चहलकदमी से पर्यटक बेहद खुश हैं। हाथी फिलहाल कन्नड़ भाषा ही समझते हैं, ऐसे में अब ट्रेनर इन हाथियों को स्थानीय भाषा दरवा सिखाने में लगे हैं। ट्रेनिंग के बाद पर्यटक इन हाथियों की सवारी कर सकेंगे। दो हाथी एडल्ट को लाया गया है और एक बच्चा है जो सीता का ही वो बच्चा है, और उसको वहाँ के भाषा से और यहाँ के भाषा में को सिखाने के लिए वहाँ से आदमी को लाया गया है। पांच अभी महावत और चरकाटा उसका है। ये कर्नाटक से हाथी आया है, वहाँ का भाषा सीखल था। धीरे 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 यहाँ की भाषा सीख ले रहे हैं। हाथी आया है, कर्नाटक से आया है, और यहाँ के कल्चर में लोग ढाल रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण अच्छा दे रहे हैं। ये लोग भी अपना लगन से सीख रहे हैं, और इसलिए कि सीख लेने के बाद यहाँ के जो पर्यटक आएंगे उनको ज़्यादा लाभान्वित होगा, देखेंगे और यहाँ के सभी चीज़ों से उनको अवगत कराया जाए। यह हाथी कर्नाटक से आया है, यह पर्यटकों के लिए आया है, और यह हाथी अभी कर्नाटक की भाषा सीखकर आया है। यहाँ का भाषा सिखाया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी तरह से दिक्कत ना हो। वन विभाग को उम्मीद है कि हाथियों का यह पूरा परिवार बेतला में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। हाथियों के साथ रह कर के उनका परिचय भी कराए लोकल महावत को। अब धीरे धीरे यहाँ के जो मेरे महावत है वो कन्नड़ भाषा सीख लिए हैं, और उन्हें हाथियों को आगे बताने के लिए, सिखाने के लिए, चलाने के लिए, कार्य कराने के लिए अब वो सक्षम हो गए। बेतला में हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, और अब वो फिर से हाथी की सवारी का लुत्फ उठा सकेंगे। पर्यटक आएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।